अलहमीन दोस्तों, जिस तरह से ये जो मसला आता है, ये मेरा एप्सन का प्रिंटर है ET3700, ठीक है। इसमें अब ये मसला आ गया है मेंटेनेंस एरर, के नॉट रिकॉग्नाइज द मेंटेनेंस बॉक्स प्रोडक्ट नंबर 3041। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, इसमें क्या होता है कि मेरा जो चिप लेवल थी बॉक्स में, मेंटेनेंस बॉक्स में जो चिप लगती है, वो चिप कई बार फिल थी और द एंड की पोजीशन में नहीं थी, लेकिन आज सुबह जैसे मैंने इसको ऑन किया तो मेरा ये एरर आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ तो फिर भी वही मसला आता है, मेरा मसला हल नहीं होता। उसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ से इसको पावर ऑफ कर देना है, ठीक है। पावर ऑफ करने के बाद ये ऑफ हो गया, यहाँ से आएँ और यहाँ से इनको ये जो मेंटेनेंस बॉक्स है इसको निकालें, ठीक है। अब क्या है कि ये जो मेंटेनेंस बॉक्स है, ये मेंटेनेंस बॉक्स फिल हो गया है, ठीक है। ये बॉक्स फिल हो गया है और ये जो चिप है इसकी थोड़ी सी इस पर इंक वगैरह आ गई है और थोड़ी गंदी हो गई है। तो अब पहला ऑप्शन ये है कि हम इस चिप को निकाल कर अच्छी तरह से साफ़ करके किसी कपड़े से या इरेजर होता है उससे साफ़ करके हम फिर से लगाएंगे, और ये बॉक्स भर गया है, बहुत वजनी है इंक से, इसका ये स्क्रू खोल कर, इसका ये पेड सारे निकाल कर इसको अच्छी तरह से वाश करेंगे। वाश करने के बाद फिर इसको ड्राई करेंगे और उसके बाद इसी को इसी तरह से फिट कर देंगे और फिर लगाएंगे। हमारा मसला जो है वो 100% हल हो जाएगा। फिर भी हल नहीं होता तो ये बॉक्स फिर आपको रीसेट करवाना होगा, चिप को रीसेट करवाना होगा, यही इसका फाइनल हल है। पर पहले हम ये कर लेते हैं।